हमने पढ़ा था कि हमारा पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज आर पावर। इसकी यूनिट हमने पढ़ी थी वॉट होती है, और इसको हम निकालते कैसे हैं, तो पी इज इक्वल्स टू वी आई और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन एंड अपॉन टाइम टेकन टू डू दैट वर्क। और इसका फॉर्मूला होता है वी आई भी होता है, या फिर क्या होता है V की जगह पे V क्या होता है ओम्स लॉ से आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे आई आर रख देंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर होता है, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, किसका पावर का फॉर्मूला होता है। कैसे होता है, इन दोनों को मैंने R से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये R से डिवाइड भी होगा, तो ये क्या हो गया वी आई आर अपॉन आर, तो आई आर क्या होता है V ही होता है, तो V स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या होता है पावर का फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी या वर्क डन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर वर्क डन दैट इज W, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अगर हम इस T को क्या करें रिमूव करें तो सिर्फ हम पे W बचेगा। तो ये मैं T कैसे रिमूव कर सकती हूं, ऊपर में अगर मल्टीप्लाई कर दूं टी से तो ये टी रिमूव हो जाएगा, तो मुझे मल्टीप्लाई हर इक्वेशन में करनी पड़ेगी क्योंकि सारे इक्वल्स टू में, अगर मैंने यहाँ टी की मल्टीप्लाई की तो मुझे यहाँ भी टी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी टी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी टी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो दोनों इक्वल्स टू में है, टी की मल्टीप्लाई दोनों साइड करूंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमें ओरिजिनल हमारा मिल जाएगा जो था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज वर्क डन उसका फॉर्मूला क्या आया, वी आई टी is equals to I square RT is equals to V square T upon R or PT. T वहां पे भी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज पावर इन टू टाइम टेकन। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। आज हम इनसे ही रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैज अ रेटिंग ऑफ 1100 वॉट टू 20 वोल्ट। हमें बोला गया है एक इलेक्ट्रिक हीटर है हमारा जिसकी रेटिंग है 220 वोल्ट और 1100 वोल्ट, ठीक है। आगे हमें बोला गया है हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम इन किलो वॉट पर आवर। अब पहले मैं इसकी यूनिट बताती हूँ, तो इसकी यूनिट कितनी होगी, पावर की यूनिट कितनी होती है किलो वॉट और टाइम आर, या फिर वॉट पर सेकेंड या किलो वॉट पर आर, ठीक है, या फिर हम इसको जूल में भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि ये किलो वॉट पर आर, किलो वॉट आर में निकालना है इसकी वर्क डन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन टाइम 4 आवर, 4 घंटे में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, तो वी पी और टी का रिलेशन क्या है W के साथ, V, P और T का रिलेशन W के साथ, तो वो है W is equals to PT, power into time taken, ठीक है। तो P कितना है हमारा 1100, टाइम कितना है हमारा 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा 4400 वॉट आवर, 4400 वॉट आर। लेकिन हमें क्या किलो वॉट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000, तो हो जाएगा 4.4 किलो वॉट आर। सेकेंड है इसमें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना है, तो पी हमें गिवन है, वी हमें गिवन है, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो P, V और R का रिलेशन क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, यहां से R कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P, V क्या है हमारा 220 into 220, और V क्या है हमारा 1100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 2 जा 22, दैट इज 44 ओम।
अगला है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग पर सेकेंड थ्रू द फिलामेंट ऑफ 100 वॉट टू 20 वोल्ट बल्ब। एक बल्ब है जिसका वोल्टेज है 100 वॉट, उसका पावर है, और 220 वोल्ट उसका क्या है, वोल्टेज सप्लाई है। ठीक है, बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग पर सेकेंड थ्रू द फिलामेंट। हमें बोला गया है कि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने पर सेकेंड के हिसाब से जो इसके अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, पर सेकेंड के हिसाब से मतलब टाइम हमें दिया गया है 1 सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं, दैट इज एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ई हमें दे रखा है दैट इज व्हेन ग्लोइंग, जब ये जल रहा हो तब, तो ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ई की कितनी वैल्यू है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, V गिवन है, हमें P गिवन है, तो सिंपली हम क्या लगा सकते हैं इसमें, अब हमें आपको N और E दिख रहा होगा, तो N और E की मदद से हम चार्ज निकाल देते हैं। चार्ज, चार्ज क्या होता है, N into E, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। तो Q मिल गया, मतलब हमें I की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो I कैसे निकाल सकते हैं, तो P V और I का रिलेशन क्या होता है, P इज इक्वल्स टू V I, तो यहाँ से I कितना आ जाएगा हमारा P अपॉन V। P क्या है हमारा 100 और V क्या है हमारा 220, और I क्या होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज कितना है हमारा N E अपॉन टाइम, तो 100 अपॉन 220 इज इक्वल्स टू N E अपॉन T। यहाँ से हमें N की वैल्यू निकालनी है, तो 100 अपॉन टाइम, टाइम क्या है 1 सेकेंड, इंटू 1 अपॉन 220 इंटू 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻¹⁹। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया हमारा कैंसिल आउट हो गया, यहां से जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा 2.84 × 10⁻¹⁸। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे 2.84 × 10⁻¹⁸। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू बल्ब B1 एंड B2 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC सोर्स ऑफ EMF 200 वोल्ट। हमें बोला गया दो बल्ब हमारे सीरीज में लगाए गए हैं, ठीक है, B1 एंड B2 विद एन AC सोर्स ऑफ EMF 200 वोल्ट। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो 200 वोल्ट के सप्लाई से ये कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, आगे हमें बोला गया है द लेबल्स ऑन द बल्ब्स रीच 200 वोल्ट 60 वॉट, 200 वोल्ट 60 वॉट और 200 वोल्ट 100 वॉट, इसमें ये लेबल्स पड़े गए हैं इन बल्ब्स में। आगे हमें बोला गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब्स R1 अपॉन R2। मुझे बोला गया है पहला पार्ट कि इनका रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है, R1 रेशियो R2, तो यहां से R1 क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ V एंड W, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड वो एंड पावर, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है, तो ये हो जाएगा V²1/P1। वहीं R2 क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर अपॉन P2, तो
तो v1 का स्क्वायर कितना है हमारा 200 and 200, ये भी 200 into 200, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारा p2 upon p1, p2 क्या है हमारा 100 और p1 क्या है हमारा 60, तो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो ये जाएगा 5:3। अगला है द पावर बीइंग कंज्यूम्ड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब पावर कितनी कंज्यूम हुई इनकी जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड थे, मतलब p1 ratio p2 जो हम निकाल चुके हैं, p2 ratio p1 कितना है हमारा 5:3। अब हमें निकालना है p1 ratio p2, ठीक है। तो p1 क्या आ जाएगा हमारा i square, दे नहीं रखा है हमें, तो इन टर्म्स ऑफ हम कैसे निकालेंगे इसे, अब i हमें दे नहीं रखा है तो हम पहले i निकाल देते हैं। अब ये दोनों सीरीज में हैं तो इनमें दोनों में करंट क्या होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे होंगे, दोनों में करंट इक्वल होगा, तो i निकाल देते हैं हम इस पूरे सर्किट का, तो वो हो जाएगा हमारा p upon v, ठीक है। तो अब p1 ratio p2 क्या हो जाएगा हमारा, p1 क्या है हमारा v1 i upon, इन टर्म्स ऑफ दिस निकालते हैं i square r1 और i square r2, तो i square कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों में करंट क्या हो रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लो होगा r1 ratio r2, दैट इज 5:3 जो हम फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब v1 ratio v2, v1 क्या हो जाएगा हमारा, v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v होता है ir, ओम्स लॉ के हिसाब से, तो हो जाएगा ir1 upon ir2, ii कैंसिल आउट सीरीज में है, तो r1 ratio r2, दैट इज 5:3, क्या आ गया हमारा 5:3। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है टू रजिस्टर्स R1 60 ओम एंड अनदर R2 90 ओम, टू रजिस्टर्स 60 ओम और 90 ओम, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इफ इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर R1 इज 15 वॉट, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर R2। मुझे बोला गया है दो रजिस्टर्स हैं 60 ओम और 90 ओम के जो हमने पैरेलली लगाए गए, ठीक है, एक की पावर है 15 वॉट, दूसरे की निकालनी है। अब देखिए, अब हमने इनको कैसे लगाया है, पैरेलल में लगाया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रजिस्टर्स विल बी सेम, दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रजिस्टर विल बी सेम, दैट इज V. तो मतलब V1 इज इक्वल टू V2, इसके अक्रॉस जो रजिस्टर होगा वही इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज V1 इज इक्वल टू V2। अब V इन टर्म्स ऑफ P और R क्या होता है, V इन टर्म्स ऑफ P और R, V square is equals to P R, तो ये जाएगा √P1R1 √P2R2, ठीक है। और आप कर सकते हैं हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये जाएगा P1R1 is equals to P2R2, P1 क्या है हमारा 15 into 60 is equals to 90 into P2, तो 32 जा 60 33 जा 90, 3 5 जा 15, तो P2 के यहां से क्या वैल्यू होगी, पावर ऑफ सेकेंड रजिस्टर, दैट इज 10 वॉट। अब करेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर. दो सिटीज हैं, लेट सपोज वो ए और बी, वो दोनों 150 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से. ठीक है, आगे बोला गया है, इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉपर वायर्स फ्रॉम वन सिटी टू अदर. अब एक सिटी से दूसरे सिटी में इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू पावर क्या हो रहा, ट्रांसमिट हो रहा है. देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 8 वोल्ट पर किलोमीटर इन द वायर. अब जो ये वायर है, कॉपर की वायर, इसमें हर एक किलोमीटर में 8 वोल्ट का पोटेंशियल है. हर एक किलोमीटर में कितना पोटेंशियल है, 8 वोल्ट का. ठीक है, और बोला गया है, एंड एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 0.5 ओम पर किलोमीटर. और पूरी जो वायर है उसमें पर किलोमीटर में 0.5 ओम का रेजिस्टेंस है. 0.5 ओम का क्या रेजिस्टेंस है हर एक किलोमीटर में. पहला बोला गया, कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द वायर, कि उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, हमें वो निकालना है. अब बोला गया, इस पूरी वायर में कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, कितना करंट जा रहा है. तो V इज इक्वल टू आई आर, यहां से I कितना हो जाएगा, V अपॉन R. ठीक है, V क्या है, 8 वोल्ट पर किलोमीटर का है 8 वोल्टेज. तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 150 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 8 into 150. ठीक है, इतना हो जाएगा. अब 0.5 एम्पियर बोला गया है मुझे, कितना बोला गया है, 0.5 ओम पर किलोमीटर बोला गया है. तो ये सीरीज में ज्वाइन और क्या होंगे, तो मतलब 0.5 इंटू 150 किलोमीटर्स हैं. 8 into 150 upon 0.5 into 150, क्योंकि रजिस्टर्स क्या है, सीरीज में लगाए गए हैं, तो ये सिंपली ऐड हो जाते हैं. और ये 8 था, 1 किलोमीटर का वोल्टेज 8 है, तो 150 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 8 into 150 से 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू 10, 5 to 10, दैट इज 16 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी. ठीक है, आगे बोला गया, फाइंड आउट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन द वायर, कि इन कॉपर वायर्स को लगाने के बाद हमारा कितनी पावर लॉस हो गई. तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. V क्या हो गया हमारा, 8 into 150 into 8 into 150, और R क्या हो गया, 0.5 into 150 से 150 कैंसिल आउट, into 10. ठीक है, ये जाएगा 5 4 8. जब हम इसको एड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 19200 वॉट, दैट इज 19200 वॉट, दैट इज 1.92 किलोवॉट. क्या हो जाएगा हमारा, 150 into 8 for 32 into 10, दैट इज 19.2 किलो वॉट. अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इन अ हाउस हैविंग 220 वोल्ट लाइन 3 अप्लायंसेस आर ऑपरेटिंग. एक हाउस है जहां वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट का, और वहां 3 अप्लायंसेस ऑपरेट किए जा रहे हैं. 3 अप्लायंसेस वहां काम कर रहे हैं, जो है हीटर, रेडियो और बल्ब, दैट इज
हीटर भी वहाँ काम कर रहा है उस घर में, एक बल्ब भी है और रेडियो भी है, ठीक है। और तीनों तीनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों की तीनों हमें पैरेलल में लगाई गई होंगी, क्योंकि तीनों का वॉट अलग अलग होगा, पावर अलग अलग होगी, तो तीनों को चलने के लिए अलग अलग करंट चाहिए, अलग अलग ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज चाहिए, ठीक है। अब बोला गया है बल्ब का जो पावर है वो है 60 वॉट, हीटर का है हमारा 1000 वॉट, और जो रेडियो है उसका है 40 वॉट। तो जो पहला पार्ट है वो हमें बोला गया कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द हीटर, कि हीटर से कितना करंट ड्रॉ हुआ। अब 220 वोल्टेज पे लगे हुए हैं तीनों के तीनों पैरेलल लगे हुए हैं, तो तीनों का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, अक्रॉस ऑल द थ्री अप्लायंसेस विल बी 220 वोल्ट ओनली, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो 220 वोल्ट होगा। पी क्या है, पावर, तो पी वी और आई का क्या रिलेशन हो सकता है, तो पी इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से आई कितना हो जाएगा, पी अपॉन वी। तो करंट अक्रॉस, करंट फ्लोइंग इन हीटर, तो पी कितना है 1000 अपॉन 220, तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 2 5 10 0 2 1 2 50/11 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो इन हीटर। आगे बोला गया है द करंट पासिंग थ्रू द फ्यूज फॉर दिस लाइन, ठीक है। अगर मैं इन तीनों के इक्विवेलेंट करंट दे दूं, जितना इन तीनों में फ्लो हो रहा उतना करंट सप्लाई कर दूं फ्यूज में, तो क्या हो जाएगा, हमारा तीनों काम करना बंद हो जाएंगे, ठीक है, हमारा तीनों काम करना बंद हो जाएंगे। तो ये क्या था हीटर के लिए, ऐसे हमारा बल्ब के लिए कितना आ जाएगा, पी अपॉन वी दैट इज 60/220, और रेडियो के लिए कितना आ जाएगा हमारा 40/220। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो इतना टोटल करंट अगर हम फ्लो करा दें तो ये लाइन क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो दैट इज 60/220 प्लस 40/220 प्लस 1000/220 दैट इज 1100/220 एम्पियर, दैट इज 5 एम्पियर ऑफ करंट अगर हमने फ्लो करवा दिया थ्रू द फ्यूज फॉर दिस लाइन, तो ये तीनों काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, हमारा अब अगला क्वेश्चन है, अ लैम्प मार्क्ड 15 वोल्ट 20 वॉट, एक लैम्प है जो 15 वोल्ट और 20 वॉट मार्क किया गया है, मतलब 15 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द लैम्प और 20 वॉट उसका पावर है। आगे हमें बोला गया एंड द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज फॉर फुल इल्यूमिनेशन, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस आर लगाया गया है इस लैम्प के अक्रॉस। तो बोला गया फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो इस पूरी सर्किट में करंट कितना होगा ये हमें बोला गया, तो जो इसके अक्रॉस करंट होगा वही इसके अक्रॉस करंट होगा ये हमें बोला गया, तो क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो पी वी, पी और आई का रेशियो क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो होता है पी इज इक्वल टू वी आई, तो यहां से आई क्या हो जाएगा पी अपॉन वी। तो करंट इन द होल सर्किट कितना हो जाएगा हमारा, पी कितना है हमारा 20/15, 5 3 15, 5 4 20, 1.333 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस सर्किट, ठीक है। दूसरा बोला गया द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, इस लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है, तो V दिया है, P दिया है, V P R का रिलेशन क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, तो यहाँ से R कितना हो जाएगा हमारा V स्क्वायर अपॉन P, V कितना है 15 × 15/20, 5 3 20, 5 3 15, 5 4 20, 15 3 75/4 ohm, 75/4 ohm,
15 × 3 = 45 / 4 ओम। थर्ड बोला गया द रेजिस्टेंस आर, तो वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी तो दोनों के अक्रॉस डिफरेंट रहेगा, लेकिन आई दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। दोनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो होगा हमारा। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन था कि ये पूरा सर्किट 25 वोल्टेज के सप्लाई से कनेक्टेड है। पूरा सर्किट क्या है, 25 वोल्टेज के सप्लाई से कनेक्टेड है। तो V इज वोल्ट मेन सप्लाई है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट। पूरे सिस्टम का, पूरे कनेक्शन का R इक्विवेलेंट। तो V क्या है, 25 दोनों का वोल्टेज इज इक्वल्स टू I क्या है, दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा, 4/3। और R इक्विवेलेंट R प्लस पहले का कितना था, R इक्विवेलेंट लैंप का 45/4। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो जगह 25 × 3 दैट इज 75/4। 25 × 3/4, 75/4 इज इक्वल्स टू आर प्लस 45/4। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, 75 − 45/4 दैट इज 30.4। इसको हम करेंगे तो 4 × 7 = 28.5, 7.5 ओम क्या है उसका करंट है।